जहां सरकार एक तरफ पूर्ति विभाग के अफसरों को आदेश दिए है कि कोई भी भूखा ना रहे, जिसके चलते सभी गरीब तबके के लोगों को राशन खाद्य सामग्री वितरित की जाए, तो वहीं सरकार के आदेश को ताक में रखकर कोटेदार गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं। जी हां, ऐसा ही एक मामला कानपुर में देखने को मिल रहा है, जहां कोटेदार का विरोध करना एक गरीब परिवार को महंगा पड़ गया। दबंग कोटेदार ने परिवार को कमरे में बंद कर लाठी डंडों से जमकर पीटा। अंगूठा लगाने के बाद भी नहीं दे रहा राशन। मां समेत दोनों पुत्रों को दबंग कोटेदार ने मरणासन्न स्थिति में पहुंचाया। यह पूरा मामला कानपुर के चौबेपुर के एक गांव का है। बहरहाल अभी तक पुलिस ने मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की है। किस वजह से मारा बेटा? राशन नहीं दे रहे थे, राशन ने कहा, हमने कहा हम गरीब आदमी खेती बाड़ी आए नोलू होते और मलिन होते और राम बाबू। क्या नाम? क्या तुम्हारा? हमारा नाम उमेश है। कहाँ रहते हो? अब बकरपुर में। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बाबू जी, हम बकरी चलाने गए थे, हमने कहा कुछ खाने पाने का, मैंने 4 महीने हो गए हमको राशन नहीं दे रहे थे बाबू जी, और क्या तो कर रहे थे हम लड़ा, हम लोग एक दिन गाली देती है हमको कोटे हटा संभाल लो, तुम्हारे जितने जिक्रा दो कोटा आज हमारे बदौलत है, आज कोटा तुम्हारे पास है। मीटिंग में सर हम बात की थी सर। काहे से मारा है? काहे से मारा है? लाठी डंडा से, कुल्हाड़ी से, उल्हाड़े हमारे नहीं मालूम है, ये हमने देखा नहीं। बंद करके मारा था क्या? कमरे में बंद करके मारा था बाबू जी, हम लोगों को बंद करके बहुत मारा। कितने लोगों को मारा बेटा? हमको, हमारे भाई को, मुकेश को। कितने लोग थे मारने वाले? 4-5 लोग थे। वो पहचान पाओगे? कोटा चलाते हैं? कोटा भी चलाते, पटाने भी।